हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फिर आज है शनिवार और आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, तो टिफ़िन मुझे नहीं बनाना था क्योंकि मेरे घर में सिर्फ हस्बैंड ही टिफ़िन लेके जाते हैं और बाकी जो मेरे जेठजी के जो दो लड़के हैं तो टिफ़िन नहीं लेके जाते। एक तो घर पे आता है दोपहर में खा के जाता है और जो दूसरा वाला है बड़ा वाला वो टिफ़िन नहीं लेके जाता क्योंकि उसे पसंद नहीं टिफ़िन लेके जाना। तो फिर अभी शनिवार है तो आज खिचड़ी बनेगा, लेकिन खिचड़ी में भी प्रॉब्लम है कि आधे लोग को पसंद है आधे लोग को नहीं पसंद है। मुझे तो पसंद है खिचड़ी, तो देखते हैं क्या बनाना। जिस दिन टिफ़िन नहीं बनाना रहता तो उस दिन थोड़ा लेट ही उठती हूँ क्योंकि टिफ़िन की वजह से मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। तो अगर टिफ़िन बनाना रहता है तो मैं 7:15 बजे तक उठती हूँ और अगर नहीं बनाना है तो मैं 8 बजे तक आराम से उठती हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर और गर्मी बहुत है, आप लोग के यहाँ गर्मी है कि नहीं? क्योंकि मैंने सुना है कहीं कहीं ऐसे बाहर के साइड ऐसे बारिश भी हो रही है। यहाँ पे तो मुंबई में बहुत गर्मी है क्योंकि बहुत स्वेटिंग होता है, बिना पंखे के तो रहा ही नहीं जाता। मैंने पंखा बंद किया है क्योंकि ऐसे बात करने पे मोबाइल में ऐसे बैकग्राउंड की आवाज़ बहुत ही आती है। तो और मेरे हस्बैंड तो अभी घर पर नहीं है, वो बाहर गए हैं किसी काम के लिए, तो अभी वो शायद दोपहर तक आएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना लंच की तैयारी करने के लिए। और रात के समय प्रिया लोग फ़ोटो उल्टा करती है रात के समय फ़ोटो उल्टा कर देती है, ऐसे खेलती रहती है ऐसे हिला हिला के। तो अभी उसे अच्छे से फिट करना है, लेकिन वहाँ पे खिला करके हम लोग ने उसे लगाया है, तो अभी देखते हैं क्या करना है। तो रात के समय उसको ऐसे हिला हिला के खेलती रहती है और बताती है पापा मम्मी तो चलो अभी जाती हूँ मैं लंच बनाने, तो देखते हैं लंच में क्या बनाना है। मैं जा रही दाल चावल बनाने के लिए क्योंकि खिचड़ी नहीं बनाना है, तो अभी दाल चावल बना रही हूँ। तो मैं टोपनी चावल बना रही हूँ आज। तो चावल मैंने डाल दिया टोपनी, तो इसे मैंने धो दिया है और पानी डाल दिया है। तो अभी मैं गैस पे चढ़ाने जा रही हूँ। तो जब भी चावल बनाने का तो जो चार उंगली रहती है अपनी, मतलब जो इतना हाँ उतना पानी रहना चाहिए चावल के ऊपर, तो चावल बराबर बनता है। तो मैं ऐसी उंगली डाल के पानी नापती हूँ अगर टोपनी चावल बनाई तो इसी तरीके से मैं चावल बनाती हूँ। तो मैं अभी दाल की तैयारी करने वाली हूँ, तो मैं इसमें भोपला डाल रही हूँ दाल में और गोभी डालूँगी। भोपला जिसे हम लोग कोहड़ा भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे पम्पकिन बोलते, तो इसका दाल बनाऊँगी और तब तक मैं चाय पी लेती हूँ अपनी। तो आज लंच में बन रहा है दाल राइस। दाल कौन सी रहेगी? जो भोपला रहता है उसकी पम्पकिन जिसे बोलते हैं, तो उसका दाल बनेगा और उसके साथ में गोभी भी डाल रही हूँ। तो इसी मतलब इसका टेस्ट ना एकदम अच्छा आता है, उसे पूरा फ्राई करेंगे अच्छे से, उसमें प्याज टमाटर सब फ्राई करके थोड़ा मसाला डाल के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके साथ फिर भाजी की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऐसे ही राइस के साथ अच्छे लगते हैं। कुकर में मैंने भाजी दोनों और दाल डाल दिया है धोके और हल्दी मैंने डाला है, तो ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी क्योंकि मैं बाद में वापस पकाने वाली हूँ पानी डाल के। तो इसमें 1.5 गिलास तक पानी डाल दिया मैंने और कुकर चढ़ा दिया है, तो 4 सीटी हो जाएगा तो मैं इसे बंद कर दूँगी। और यहाँ पर मेरा चावल हो रहा है, देखिए मेरा चावल बन गया है, देखिए टोप में कितने अच्छे से चावल बन गया, एकदम खुले खुले चावल बने हैं। एकदम परफेक्ट चावल बने। और यहाँ पे मैं प्रियल के लिए ओट्स बना रही हूँ, तो मेरा ध्यान नहीं था और वो ओट्स ऊपर आके नीचे गिर गया था, मैंने आज फास्ट कर दिया था तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया तो ये नीचे गिर गया। और ये दाल मेरा हो गया 4 सीटी में, तो देखिए गल गया है। और यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर भी काट के रख लिए हैं, तो अभी मैं इसे फेंट दूँगी दाल को। तो कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है। अब जीरा तड़क जाएगा तो उसके अंदर मैं 3-4 लौंग डाल दूंगी और एक तेज पत्ता डाल दूंगी फ्रेगनेंस के लिए, टेस्ट के लिए भी। और प्याज डाल के उसे मैं लाल कर लूंगी, तो प्याज लाल हो रहे हैं, प्याज लाल हो गया। अभी मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, टमाटर को भी इसमें अच्छे से लाल कर लूंगी। और लहसुन
मिर्ची, हरा मिर्ची, धनिया अदरक का पेस्ट है तो 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है। ये गल गए अच्छे से टमाटर प्याज, तो इसमें मैं मसाला डाल रही हूँ 1 चम्मच भाजी मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और मैंने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च भी डाला था। तो बस इसे मिक्स कर दूंगी अच्छे से। अभी इसमें मैं इमली मैंने भिगा के रखा था 1 घंटे के लिए, तो इमली भी अच्छे से फूल गई है भीग के, तो मैं इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से मैश करूंगी। फिर जो इसका पानी रहेगा तो इसे मैं दाल में डालूंगी, तो इससे टेस्ट अच्छा आता है दाल का। इमली आप अवॉइड कर सकते हो अगर इमली आपको पसंद नहीं है, खट्टापन नहीं पसंद है तो। नमक डाल दिया मैंने इसमें, अभी जो आप दाल है फेटा हुआ इसमें मिला दूंगी। अपने हिसाब से पानी डाल दीजिए, जितना आपको थिकनेस चाहिए दाल का, गाढ़ा पतला जैसा चाहिए उसके हिसाब से पानी डाल दीजिए। और नमक मैं और डालूंगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, तो अभी और नमक डाल रही हूँ। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल दूंगी, बस अब इसे ढक दीजिए और पका लीजिए, थोड़ा 5-6 मिनट तक पका लीजिए, हो जाएगा। और ये मैंने दूसरे दिन के लिए सब भिगा के रखे हैं अनाज, तो इसमें मैंने कह रहे मूंग लिया है, मटकी लिया है, और वटाना लिया है, और एक वाल करके इसे बोलते हैं चौली जैसा रहता है वो लिया है मैंने। तो इसे मैं भिगा के रखूँगी, फिर रात के समय इसका पानी निकाल के इसे ऐसे ही रख दूँगी, तो इसमें स्प्राउट जम जाएंगे, तो इसे दूसरे या तीसरे दिन में बनाऊँगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा सब काम हो गया था, लंच हो गया और सब लोगों ने लंच कर भी लिया और मेरा सब घर का काम भी हो गया। तो 3 बजे तक मैं हमेशा 3 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं अपने बेडरूम में आती हूँ, फिर आराम करती हूँ 2 घंटा, तो मैं एकदम अच्छे से आराम करती हूँ, फिर उसके बाद बाकी का मैं काम करती हूँ। तो ये मेरा रोज का ही रूटीन है, 3 बजे तक काम ख़त्म करूँ उसके बाद आराम करूँ। तो अभी फ्रेयर भी सो गई है, उसे मैंने रूम में सुला दिया, तो मुझे तो ऐसे दोपहर में सोने को चाहिए, बिना सोए तो मेरा काम चलता ही नहीं, मेरी एकदम आदत ही है। और मैं अगर सो जाती तो मेरा एकदम जितना थकान रहता है सब निकल जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है दोपहर में सोना। कितने लोगों को नहीं पसंद रहता है, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है दोपहर में सोना, बिना सोए तो मेरा काम चलता ही नहीं है। तो अभी मैं जाती हूँ आराम करने, फिर उठने के बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो हाय फ्रेंड, मैं सो के उठ चुकी हूँ और अपने किचन में भी जा चुकी हूँ, तो मैं आज बना रही हूँ पत्ते गोभी की भाजी, क्योंकि किसी को भी मसाले वाली भाजी आज नहीं चाहिए, तो आज सूखा भाजी बना रही हूँ पत्ते गोभी का। तो मैं हमेशा पत्ता गोभी का जब भाजी बनाती हूँ उसे लंबे लंबे काटती हूँ, क्योंकि बस अच्छा लगता है, फिर इसे लंबे लंबे रहते हैं तो अच्छा लगता है इसे खाने के लिए। तो यहाँ पे रोटी 4-5-6 रोटी बच गई थी, तो अभी इसे तो कोई खाएगा नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं फ्राई करके टमाटर प्याज डाल के इसका ऐसे कुछ बना दे रही हूँ, तो फिर सब खा लेंगे। तो मैं रोटी के टुकड़े टुकड़े कर रही हूँ, तो छोटे छोटे ही टुकड़े करने हैं और अच्छा लगता है, चाय के साथ आप ऐसे भी खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, फेंकने से अच्छा कि हम इसे यूज़ करके खा लें। तो इसे मैं सब टुकड़े टुकड़े कर दूँगी।
तो ये बची हुई रोटी के बनाने के लिए मैं क्या ले रही हूँ, इसमें मैंने मिर्ची लिया है, प्याज लिया है, आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हो साथ में। तो प्याज लाल हो गया है तो मैं इसमें अभी टमाटर डाल के इसे सॉटे कर लूँगी अच्छे से। जब प्याज टमाटर गल जाएगा तो इसके अंदर मैं भाजी मसाला डाल दूँगी आधा चम्मच। अभी हो गया है तो अब मैं इसमें जो रोटी के सब टुकड़े थे वो डाल दूँगी, बस इसे अच्छी तरह से मिला दूँगी। और हरा धनिया भी डाल दीजिए इसके अंदर और नमक, स्वाद अनुसार आपको जैसा नमक चाहिए वैसा नमक डाल दीजिए। तो मिक्स हो गया है तो इसे अब मैं 2 मिनट तक ऐसे स्लो आंच पे थोड़ा और नरम होने के लिए पका दूँगी। तो अब ये तैयार है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई नहीं खाता है खाना तो उसकी रोटियां बच जाती है, उसका खाना बच जाता है, तो फिर हमें वो यूज़ करना ही पड़ता है। हम लोग खा लेते हैं या ऐसे ऐसे कुछ बना लेते रोटी का। तो ये रेडी हो गए और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अभी सिर्फ रोटियां बनाना है तो मैं रोटियां बना रही हूँ अभी, बाकी सब मेरा बन गया। और थोड़े से राइस भी मेरे बच गए थे तो मैंने उसे भी फ्राई कर लिया था। एक सेजवान मसाला मिलता है, एक इसके पहले वीडियो में मैंने दिखाया था चिंग का सेजवान मसाला मिलता है, तो मैंने उसे ही राइस में डाल के उसे फ्राई कर लिया था। तो आज है पत्ते गोभी की भाजी बनी थी, रोटी और फ्राइड राइस, इस और जो मैंने रोटी का बनाया था चूरमा वो बना था। सो फ्रेंड, मेरा डिनर रेडी है और मैं जा रही हूँ अपना डिनर खाने के लिए। तो मैंने लिया है जो मैंने रोटी का बनाया था और राइस लिया है और पत्ते गोभी की भाजी ली है, थोड़ा सा अचार लिया है और साथ में मैंने चाय लिया है क्योंकि मेरे जेठ जी को लड़के को रात को चाय चाहिए रहते, तो मैंने भी थोड़ा सा ले लिया। तो मैं रोटी नहीं खाऊँगी क्योंकि मुझे रोटी उतना पसंद नहीं है, मैं यही सब खाऊँगी। और ये सारे बर्तन हैं तो मैं जा रही हूँ सारे बर्तन को धोने के लिए। तो फ्रेंड, मेरा आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक